नमस्कार। दिन के 12 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं मिड डे, और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। मिड डे में हम सबसे पहले बात करेंगे सदन में शराबबंदी संशोधन विधेयक पेश होने से पहले नीतीश सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से राज्य में शराबबंदी कानून को सभी के सहयोग से लागू किया और इससे समाज में बहुत ही सकारात्मक संकेत गया है। उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष के सभी लोगों ने शराबबंदी कानून के पक्ष में हाथ उठाकर अपना समर्थन दिया था, इसे सभी को याद रखना चाहिए। ये शराबबंदी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, समाज में इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इन सारे चीज़ों का लगातार मुख्यमंत्री जी इसको लेकर अभियान भी चलाते रहे हैं, लोगों से अपील भी करते रहे हैं और इसका लार्जर इम्पैक्ट सोसाइटी में दिखाई पड़ रहा है। और हमेशा कहें कि महिलाओं के आग्रह पे ये किया गया है, संशोधन करने की जरूरत नहीं, वो तो टाइम टू टाइम इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो लॉ में तो होता ही है ये चीज़, तो कहीं कभी ज़रूरत होगा इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का, कहीं लगता है कोई इशू है उसको रिजॉल्व करने। बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री पर हुए हमले और दानापुर में जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या के विरोध में भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। विधायकों ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है उस राज्य की जनता का क्या होगा आप समझ सकते हैं। हत्यारे की गिरफ्तारी सहित राज्य में जो हालात बने हैं उस हालात को देखते हुए फिलहाल भाकपा माले का यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। देख सकते हैं किस तरीके का हालात है, भाकपा माले का ये प्रदर्शन यहाँ चल रहा है और ये लोग यहाँ मुख्यमंत्री के हमलावर के हमला के साथ साथ कर सकते हैं कि जिस तरीके से दीपक मेहता की हत्या हुई और सामंती संप्रदायता गठजोड़ के खिलाफ भाकपा माले का यह प्रणाम धरना हंगामा यहाँ लगातार चल रहा है। क्या है मांग आपकी? कल दानापुर में जदयू नेता की हत्या हुई है और आप इसके पहले आप जानते हैं कि नीतीश कुमार पर भी हमले हुए, तो हमारा कहना है कि पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो नहीं हो पा रही है, बड़े नेताओं का भी सुरक्षा नहीं कर पा रही, पूरी तरह सरकार फेल हो चुकी है विधि व्यवस्था के मामले में, इसलिए इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसी जो लगातार जो घटनाएं घट रही, दिन में गोलियां मारी जा रही है, पुलिस गोली मार रही है, मुख्यमंत्री पर हमले हो रहे हैं, ये सब लेकर के इस सब घटना को लेकर आज हमारे ये विरोध। हाँ बिल्कुल, ये मामला उठेगा। अभी हाल में आपने देखा कि 12 मार्च को दो बच्चों का झगड़ा जो था बेगूसराय में, उसको गिरिराज सिंह जो है वहाँ आकर के वहाँ के स्थानीय सांसद हैं उन्होंने सांप्रदायिक दंगे में बदलने की कोशिश की और एक बड़े लेवल पर एक उन्माद फैलाया उन्होंने। इसकी घटना की जांच हो और उन पर गिरफ्तारी हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर मुकदमे हो। और आपने अभी देखा कि दीपक मेहता की हत्या दानापुर में हुई, जदयू के नेता थे और इस तरह से पूरे बिहार में अपराधियों का तांडव मचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल हो चुका है, मुख्यमंत्री पर भी कोई जा करके हमला कर सकता है, इस ढंग की बात जो है बाढ़ में देखने में आई बख्तियारपुर में। तो ये कुल मिला करके जो घटनाएं हैं वो पूरे तौर पे ये प्रशासन के फेलियोपन का सूचक हैं और हम इस मामले में तमाम जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। तमाम जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। इनका कहना है कि लगातार राज्य में अपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार और पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। मर्दुबालम कसी सिंह पर।